और देखिए आज हमारे माहौल में जो हम ब्लैक मनी व्हाइट मनी इतना ज्यादा सुनते हैं, काला धन, ये जो सफेद धन ये जो है, तो अगर मैं आपसे पूछूं या हम अपने आप से पूछें, हमें से कितनों के पास काला धन है? किसी के पास ये जवाब नहीं आ रहा। तो आप पूछेंगे सवाल पूछ रहे क्यों आप, ये चीज पूछने के लिए। काला धन किसको कहते हैं? इलीगल जो पैसा होता है जिसकी वजह से आपको बुक कर दिया जाएगा, अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, ऐसा इस तरीके से इसको काला धन कहते हैं जो इलीगल अमाउंट है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा ताकि हम अपने आप को ये सवाल करें कि जितना भी अल्लाह ने हमको जो कुछ दिया है, सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं, पैसा जायदाद हर चीज, अगर हम उसको अल्लाह की राह में अगर खर्च नहीं करते, अल्लाह ने जो दिया उसको अल्लाह की खातिर खर्च नहीं करते, तो वो काला धन नहीं हुआ तो क्या हुआ मेरी बहनों? वो हमको क्या जन्नत में, हमको जन्नत दिलाने काम आएगा? यही बात अल्लाह ने सूरह के आयत नंबर 11 में कही, वमा युगनी अनहु मालहु इजा तरद्दा, उसका माल उसको कुछ काम ना आएगा जब वो गिर पड़ेगा वहां पे। तो हमको जितनी चीजें अल्लाह ने दी हैं, अगर हम उसके लिए, हमारे जो मुस्तहकीन हैं, जो गरीब है, मिस्कीन है, गुरबा है, रिश्तेदार हैं, उनकी अगर हम मदद नहीं करते, सिर्फ अपना देखते हैं, तो आखिरत में माल आपको काम नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे यहां जब अक्सर जब दीन की राह में ताउन की बात आ जाए, जब एक दीन को जरूरत है या फिर कुछ अहम खैरात की जरूरत है, तो हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो कह देती हैं कि मैंने गरीब बच्ची की शादी में खैरात की। वो खैरात जायज है? गरीब बच्ची की शादी, गरीब बच्ची को पैसे की जरूरत है ही नहीं, वही खैरात आप गरीब बच्चे को कर देती है तो आपको अजर मिल जाता। जायज हराम है इस्लाम में? बच्ची को शादी के लिए एक रुपये की जरूरत नहीं है तो बच्ची को क्यों दिया आपने? फिर दूसरी चीज, किसी के कोई रिश्तेदार होते हैं जो बेचारे इतने गरीब होते हैं, इतने ज्यादा उनको पैसों की जरूरत होती है कि हर साल ज़कात का पैसा उन्हीं को दिया जाता है। अब वो गरीब जो रिश्तेदार होते हैं, उनके बच्चे यूएस में सेटल भी होते हैं, उनके यहाँ बड़ी बड़ी शादियां भी होती हैं, फिर भी वो गरीब होते हैं। तो बताने का मतलब यह है, अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह बकरा की जो आयतें हैं 260 से आप पढ़ते हुए आएंगे, अल्लाह ने जो बताया है कि तुम खैरात करो, आयत नंबर 269 में अल्लाह ने 69 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जिसे चाहे हिकमत अता करते हैं, जिसे चाहे अता नहीं करते। का मतलब जब आप खैरात करती हैं, मौके को देखकर, जिसको देना है अगर आप उसको नहीं देती तो आपकी खैरात बेकार हो जाएगी। तो आयत नंबर 11 तक अल्लाह ने क्या कहा? तुम्हारा माल तुमको काम नहीं आएगा। आयत नंबर 12 से आप पढ़ते हुए आएंगे, अल्लाह सुभान व तआला हम तमाम लोगों को एक बड़ी अहम बात यह बता रहे हैं कि जब माल तुमको तुम्हारा काम नहीं आएगा और तुमको इस दुनिया से चले ही जाना है, तो देख लो कि जो तुमको जन्नत में जाने की इतनी जो तुमको कोशिश तुम्हें कोशिश कर रहे हो, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह की इन आयात से इनकार करते थे, तुम पलट चुके थे। अल्लाह ने कहा खैरात करो, अल्लाह ने दूसरी तमाम नेकियों का जिक्र किया, लेकिन तुमने उन पर अमल नहीं किया। तो यही बात अल्लाह ने इस कुरान में बताई। इसके अलावा आप देखिए, देखिए हमने अब तक क्या बात की, खैरात जो हम कर रहे हैं आजकल जो बड़ी ऊंच नीच के साथ हो जाती है, सहाबा की खैरात कैसी होती थी, सहाबा की कैसी खैरात थी? एक सहाबिया का वाकया लाइए जिन्होंने खैरात नहीं थी, एक सहाबी का वाकया लाइए जिन्होंने खैरात नहीं थी। देखिए आज हम, अल्लाह हमारी हिफाजत करें, खैरात तो एक अलग चीज हो गई, जो फर्ज खैरात है वो खुद हम अदा नहीं करते, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ये तो फर्ज खैरात, ये तो हमको करना ही करना है, जकात फर्ज है जो जो मुस्तहिक है जकात देने के, जिसके पास वो निसाब लेवल है, जो इसको निसाब लेवल रीच हो चुका है, फिर भी हम कितने तोले सोने हमारे पास होते हैं लेकिन हमारे पास जकात ही नहीं निकालते। कई हमारे ऐसे मुसलमान घराने हैं जहां पर कई तोले सोना रखा हुआ है, हर साल निकलता है लेकिन कान पर जू नहीं रेंगती कि हमको जकात निकालना है, फिकर नहीं होती। जकात में साड़ियां देंगे, फितरे में क्या देंगे? पैसे देंगे। फितरे में पैसे देते हैं, देना चाहिए अनाज, लेकिन वहां पैसे देंगे। जकात में पैसा देना है, वहां पर देंगे साड़ियां। तो ये जो जकात जो फर्ज है मेरी बहनों, कितना अहम मसला है आप जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जकात अदा नहीं की, कंज जो माल जो आप होल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, नहीं अदा करते उसका हक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माल, ये जो सोना चांदी है, ये माल एक बड़े सांप की शक्ल में, जिसके सर पर दो नुक्ते होंगे, एक बड़े सांप की शक्ल में जकात नहीं अदा करने के सामने आकर ठहरेगा। हदीस खत्म नहीं होती, वो सांप उस इंसान के गले में आकर उसका गला मरोड़ देगा और उसको कहेगा, अना कंजुन, मैं तुम्हारा वो माल हूं जो तुमने जमा कर लिया था। मुझे जिस माल से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, वही माल पर जो जकात नहीं निकाल रहे हम, वो माल हमारा ही दुश्मन बन जाएगा कयामत में। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ने क्या कहा इन आयतों में कि तुमको माल खर्च करना